रिसेंटली फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि यूक्रेन को क्राइमिया और दोनबास रीजन को घेरने के बजाय कीव को अपने आसपास के क्षेत्रों को खोने की संभावना ज्यादा है। दिमित्री मेदवेदेव जो कि रशिया के एक बार प्रेसिडेंट और बहुत लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो अब रशिया के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड है। उनका यह क्लेम उनसे शेयर करे गए तो मैप से स्पष्ट होता है। पहले मैप में यूक्रेन को क्राइमिया के साथ दोनेस्क और लुहान्स क्षेत्रों के साथ दिखाया गया और दूसरे मैप को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि यह कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देख सकते हैं कि यूक्रेन कीव और उसके आसपास के क्षेत्रों के साथ निपट कर रह चुका है और यूक्रेन की वेस्ट की तरफ के 7 रीजन को पोलैंड कब्जा लेगा, बचे हुए 3 रीजन को हंगरी और रोमानिया कब्जा लेगा और बाकी रशिया का होगा। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किन विश्लेषकों ने ऐसी कल्पना करी है। मेदवेदेव ने लिखा कि साइकोट्रोपिक पदार्थ से क्षतिग्रस्त यूक्रेन के राष्ट्रपति के दिमाग में उनके देश के उज्ज्वल भविष्य का नक्शा कुछ ऐसा होगा। दोस्तों, ऐसी और न्यूज सुनने के लिए हमारे न्यूज शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।